ये सब चीज़ें हैं वेजिटेबल में। एक आलू लिया, एक ही शिमला है, एक प्याज है, एक गाजर है, वो थोड़ी सी बंद गोभी है, तो वो 6-7 सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं, ये सब्ज़ धनिया भी काट के रख लिया है। अब इन सब को कद्दूकश कर लेते हैं। अब हम वेजिटेबल को फ्राई करेंगे हल्का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चम्मच इसमें डालेंगे अदरक का पेस्ट, बिस्मिल्लाह। 3 चम्मच इसमें घी डालेंगे। पहले ना इस पेस्ट को, इसमें लहसुन का पेस्ट नहीं डालना, क्योंकि ये पराठों के ऊपर लाना है वेजिटेबल, तो इसमें लहसुन नहीं डालना। बस खाली हम तो अदरक ही लगाएंगे, बाकी लोगों की अपनी मर्जी। इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे पहले। पेस्ट हमारा ब्राउन हो गया है, ये देखा नज़र आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्ची। इसमें कुछ सब्ज़ है तो कुछ उन सब्ज़ में जो रेड सी ना वो डालेंगे, ये वैसे खूबसूरती के लिए, इनका जायका भी उनसे अलग होता है बाकी सब्ज़ से। अब इनमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि आटे में भी हमने हल्का सा नमक डाला है। अब हमने इसमें जो सारी चीज़ें कद्दूकश कर ली हैं, शिमला भी है, आलू भी है, गोभी भी है, गाजर भी है, प्याज भी है, सारी चीज़ें। अब हम एक एक चीज करके डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ये डालेंगे शिमला, ये आलू डाल दिए, बंद गोभी भी डाल दें। बर्तन को अच्छी तरह साफ किया करो, कोई चीज ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक इनका पानी सारी चीजों का खुश्क नहीं हो जाता। इन्हें ज्यादा पकाना नहीं, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। जैसे ही इनका पानी खुशक होता है तीन अतार में टेबल हो गया तैयार। इसे हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसे पकाना नहीं है, इसे बस हल्का सा फ्राई करना है। सब्ज़ धनिया इसे अभी नहीं डालना, जब ये ठंडा हो जाएगा ना, रोटियों के ऊपर लगाने लगेंगे तब इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे। अब ये तैयार हो गया, इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब हमारा वेजिटेबल ठंडा हो गया है, सब धनिया भी इसमें डाल दिए, मिक्स हो गया। अब हम पराठे शुरू करते हैं।
लो जी, अब सारे पराठे ऐसे ही तैयार होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इतना मज़ेदार पराठा, इतना मज़ेदार नरम, ये देखो कैसे। एक वो तरीका पराठे का ऊपर लगा के वेजिटेबल बनाने का, एक ये तरीका है। मैंने तो ये दो रोटियों का आटा लिया जो पका रही थी उसे ही लिया मैं। इसमें कुछ ये वेजिटेबल डालूंगी और ये इसे ऐसे मिक्स कर लूंगी। इसे देख के बच्चे बहुत खुश होते हैं, तो ये बहुत क्रिस्पी बनता है। वो तो बड़ों के लिए हो गया ना, बच्चों के लिए ये है। अच्छा, इसका ऐसे पेड़ा बनेगा। ये देखा ना, ये बच्चों के लिए, बच्चों का नाम भी भूख होगी ना तो देख के ही वो मांग लेंगे। इसे हल्की आंच पे पकाना है, तेज आंच पे नहीं पकाना। हल्की आंच पे बनाओगे तो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। माशाल्लाह, पराठा साडा हो गया जी तैयार। ये बिल्कुल ऐसी हूँ तीन माशाल्लाह साड़ियाँ बग गई ने, बाकी सारियाँ ऐसे तरह बनानिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना। मिलेंगे फिर कल कोई नई वीडियो लेके, तब तक अल्लाह हाफिज़।